ये जो है लमसम 77 सेंटीमीटर के आसपास का ही है लंबाई में, समझ में आया क्या नहीं, ये लंबाई हुआ क्या नहीं। हम इसको कैसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, रखे हैं ऐसे करके रखे हैं, आए ऐसे रखे हैं। तो ये क्या है कि जाकर के ये 77 सेंटीमीटर के आसपास है क्या नहीं है, ये 77 सेंटीमीटर के आसपास नहीं है मतलब इसको हम इसको दिखाएं, समझ में आए क्या नहीं। तो ये मान लो कि इसका ऊंचाई जो है कितना है 77 सेंटीमीटर हो गया ना, इसका लंबाई 77 मतलब ऊंचाई भी ऐसे खड़ा कर दिया तो ऊंचाई बन गया, बात बुझा क्या नहीं, ऐसे हो गया तो सुताई हो गया, ये उठाई ये सुताई सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। अब बोलता है दो गो व्यास होगा इसका, समझ में आया क्या नहीं, दो गो त्रिज्या या दो गो व्यास होगा, दो गो व्यास है, व्यास कितना कितना है, एक व्यास है भीतर से देखो इस तरह का व्यास है, ये गोल है ऐसे है या नहीं है, इसमें ध्यान से देखो तो ये यहां से यहां तक भीतर वाला ठो और इसके एक बाहर वाला ठो, कुछ मोटाई बीच बीच में है नहीं है, बीच में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मोटाई ठो दिख रहा है, ध्यान से देखो ये बीच वाला मोटाई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आए तो ये बीच वाला जो मोटाई है हमारा, ये बीच में जो मोटाई है, समझ में आए क्या नहीं, ये क्या है यहां से, तो त्रिज्या तो दोनों का त्रिज्या यही से बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, नहीं इसका क्या अलग बनेगा क्या, कैसे खुद खुद के बनाएगा क्या, हड़कचांग है ना, नहीं तो इसका भी कहां से बनेगा, यहीं से बनेगा और इसका भी यहीं से बनेगा, इसी सेंटर से बनेगा दो को, इसको सकेंद्री वृत्त भी बोलते हैं, समझ में आया क्या नहीं। एक चीज हमको लेना था क्लास, हम भूल गए, कल हमको याद कराना तो फर्स्ट में वही क्लास लेंगे, वृत्त का क्लास हमको लेना पड़ेगा, समझ में आया क्या नहीं, कौन सा क्लास, वृत्त का स्पेशल क्लास हमको लेना पड़ेगा, बहुत कोई को वृत्त के बारे में मालूम नहीं, आयत के बारे में मालूम नहीं, आयत तायत तो शायद हो जाएगा लेकिन वृत्त के बारे में जरूरी है लेना, समझ में आया क्या नहीं, परिधि किसको कहता है ये सब सब बताना। तो ये सकेंद्री वृत्त हो गया, देखो तो जरा इसका भी केंद्र यही वाला, इसका भी केंद्र क्या है यही वाला है ना, नहीं है सेम कंडीशन में, इसका भी केंद्र है इसी जगह से भीतर वाला टोई बना है और इसी जगह से क्या बना है ऊपर वाला भी बना है, मतलब बाहर वाला भी बना है, बना नहीं बना तब ना मोटाई तो आ रहा है, तब ना मोटाई इस जगह देखो मोटाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसका एक दो गो त्रिज्या होगा या नहीं होगा, जब दो वृत्त है तो दो त्रिज्या होगा, होगा नहीं होगा। अब मंजीत को और दीपक को ले लो तो दोनों अलग अलग लंबाई का होगा नहीं होगा, आए दोनों अलग अलग लंबाई का होगा, दोनों का देखने में भी अलग होगा, ऐसा बोलेगा थोड़ी ना कि मंजीत बोला तो दीपक चलाएगा, दीपक बोला तो मंजीत चलाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो वैसा ही नाम भी अलग अलग होगा, तो एक का नाम क्या हो गया आर वन, क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा नहीं हो गया, और कितना हो गया आर टू, कितना हो गया 4.4 है ना, अच्छा टी है, तो डी वन है ना, नहीं है, और यहां क्या है डी टू है 4.4 सेंटीमीटर। तो डी वन से हम आर वन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, कितना 2 सेंटीमीटर से भाग देंगे 2 से तो 2 सेंटीमीटर, उसी तरह आर टू 4.4/2 सेंटीमीटर यानी कि 2.2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। ये तुम्हारा जाकर के हो गया, अब क्वेश्चन में तुम्हारा सब चीज तुम्हारे पास है, ध्यान से देखो, बोलता है ना मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना देवालय ना काशी कैलाश में, समझना है क्या नहीं। तो उसी तरह कहीं तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारा चीज तुम्हारे पास है। एक क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चीज का जरूरत होता है, एक क्षेत्रफल के लिए सबसे बड़ा चीज होता है कि उसको क्या क्या चीज का जरूरत होता है, उसको जरूरत होता है एच है ना, एच तो है मेरे पास, और क्या चीज का आर वन है मेरे पास, मतलब आर है ना, उसके बाद आर टू, तो ये तो एक वृत्त के लिए, ये तो दोनों का संबाई तो लंबाई सेम है ना, संबाई लेम है क्या नहीं है, संबाई लेम है ये नहीं मतलब क्या है कि लंबाई सेम है, उसी तरह आर टू इसको साथ सेटिंग हो जाएगा और एच जो है इसके साथ भी सेटिंग, मतलब एच का दोगो भी हो गया, बुझा क्या नहीं, एच दोनों के साथ ब्याह किया, एक बार इसके साथ भी किया है एक बार इसके साथ भी किया है, क्या नहीं किया है, बड़ा बढ़िया है का। तो यहां पर कैसे लिखेंगे आंतरिक क्या है, अब क्या निकालने बोल रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आंतरिक त्रिज्या मतलब भीतर वाला त्रिज्या तो छोटा होगा ना,
और बाहरी त्रिज्या जो है, बाहरी का जो त्रिज्या होगा वो तो बड़ा होगा, तो बड़ा त्रिज्या ये है, छोटा त्रिज्या ये है। क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? क्या होता है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल? 2πRh। समझ में आया क्या नहीं? 2πRh होता है, नहीं होता है? तो 2πRh में कितना हो गया, हम कितना लेंगे? तो 2 × 22/15 है ना, नहीं है? 2/22 × 15 7 हो गया। और आंतरिक त्रिज्या, यहां क्या बोल रहा है? आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहा है ना, तो कौन सा त्रिज्या लेगा? वैलेंटी वाला, अनसेलेंटी वाला है? आर वन लेगा। तो आर वन कितना है? 2। यहां पर आर वन लिखना होगा दोस्तों, समझ में आया क्या नहीं? यहां कितना लिखना होगा? आर वन लिखना होगा। तो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया गुना एच, कितना है? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों बोले सर, सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से होगा? ये तो फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में हो जाएगा ना, इसका कोई मात्रक नहीं है। मात्रक नहीं, मात्रक है, लेकिन 2 का मात्रक है क्या नहीं है? 2 सेंटीमीटर है और 77 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल किसी चीज का, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आया क्या नहीं? तो सेंटीमीटर स्क्वायर बात बराबर है, तो तुम तो दूरी का, लंबाई का नाप कर रहा है ना, समझ में आया क्या नहीं? तो ये हो गया। अब ये 7 और ये 7 रसगुल्ला चाटने चला गया, लेकिन रसगुल्ला चाटने 11 बज जाए, समझ में आया क्या नहीं? ये 7 और ये 77 जो है क्या करेगा, कट जाएगा कितना बार से? 11 बार से, समझ में आया क्या नहीं? अब गुना कर दो, समझ में आया क्या नहीं? 22 × 44, समझ में आया क्या नहीं? बात बुझा नहीं बुझा? 22 × 44 900 कितना होगा? हमको क्या मालूम मास्टर, आप बताओ। 968 के लमसम होगा, कोई दिक्कत है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, समझ में आया क्या नहीं? किलोमीटर स्क्वायर, इस सबको कभी भी नहीं छोड़ना है, समझ में आया क्या नहीं? सेंटीमीटर स्क्वायर को भी देना है, किलोमीटर स्क्वायर को भी देना है, और इसको भी देना है। सेम कंडीशन में पाइप का बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकेगा क्या? नहीं निकाल सकेगा। हाँ, बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल किसको लेगा? 77 तो रहेगा ही रहेगा, कहीं तो बोल रहे हैं हम कि इसके साथ भी ब्याह किया है और इसके साथ भी ब्याह किया, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये भी रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये और ये दोनों को ले लेगा, ये इसको छोड़ देगा, बात बुझा? अब क्या बोल रहा है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अब फेरा है बंधु, कहे कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में दोनों त्रिज्या को यूज करना है, बात बुझा? क्या करना है? दोनों त्रिज्या को यूज करना है। यहां पर फेरा है, तो क्या फेरा है, क्या करना है? बोल, हमको क्या मालूम मास्टर, देंगे अभी जाकर के कहने डम ना, एक बार में अभी जो है रन रन ही उठ जाएगा, समझा क्या नहीं? तो हमको मालूम है कि क्या करना है, नहीं करना है, सब चीज हम ही बताएंगे। क्या पढ़े हैं आप और क्या पढ़ा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पाइप देखो तो भीतर से खोल है, है नहीं है? दिख रहा है, दीपक का मुंह बुझा क्या नहीं बुझा? ये देखो, दिख रहा है ना, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो भीतर से जो खोल है, एक चीज बताओ, देखो है ना, समझा नहीं समझा? छेदा जिसको कहते हैं पानी, जैसे छुर 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 फेंकता, सेम कंडीशन जो है इसमें छेदा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या सबसे पहले लिखते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का लिखो, बात बुझा क्या नहीं? पहले पूरा वाला टुको लिखो और फिर कम वाला टुको लिखो, बात बुझा क्या नहीं बुझा? तो पूरा वाला टुका लिखो तो क्या लिखेगा, क्या लिखेगा? 2πR × R + H, यही ना होगा?
तो आर नहीं होगा, क्या होगा, कैसा होगा, आर टू, बड़ा वाला टुकड़ा छोटा वाला माइनस करेगा, हाँ? बड़ा वाला टुकड़ा छोटा वाला, मान लो कि बोलता है इतना बड़ा है, इसको छोटा कीजिए, घस दिए है ना, नहीं बात बुझा ले बुझा, बहुत बड़ा है ये, बड़ा है इसको छोटा कीजिए, कर दिए छोटा, आप बोल रहे बिना छुए छोटा कीजिए, कर सकेगा, बिना छुए इसको छोटा करके दिखाओ, कर सकेगा, हाँ कर सकेगा, उसके ऊपर एक बड़ा लाइन खींच दो, ये छोटा हो गया, बात बुझा ले बुझा, समझा, तो क्या है कि जाकर के ये चीज है, क्या बोलता है कि पाइप का वो कुल क्षेत्रफल इतना हो गया माइनस टू पाई आर वन इंटू आर वन प्लस एच, होगा या नहीं होगा, इतना हो गया, अब दोनों का मान बैठाओ और माइनस कर दो, निकलेगा क्या नहीं निकलेगा दोस्त, आए अब निकाल सकेगा क्या नहीं निकाल सकेगा, अब सब तो का मान बैठाओ, आर टू ये है, एच ये है, सबका मान फटाफट बैठाओ, कटाओ घुटाओ मुटाओ सुटाओ सब कुछ करो, उसी तरह यहाँ का करेगा, पहले ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेगा, फिर इसको भी सॉल्व कर लेगा, जितना आएगा उसको माइनस करना है ना, पहले माइनस कर दो दो खत्म बुझा नहीं बुझा, वही टेम्पू वाला वीक सिस्टम लगाएगा, फफाक फफाक जहां मारा वही गुजर दिया पूरा रास्ता जाओ, बात बुझा क्या नहीं, और टेम्पू वाला हिसाब किताब नहीं लगाना है, मतलब क्या है कि इसको इससे जो है माइनस तो करना है, लेकिन कैसे करना है, इसको इससे जो है पहले क्या करना है, पहले पूरा सॉल्व करेगा बाय प्रोसेस, अब खाना बनाना चालू किया, घर में खाना बनाना शुरू किया, अरे मम्मी भूख लग गया, तो क्या करेगा, फट से चावल खा लिया, पानी पी लिया, सब्जी खा लिया, हल्दी खा लिया, मिर्ची खा लिया, मसाला खा लिया, नमक खा लिया, और जाकर के क्या हुआ, चूल्हा के ऊपर बैठ गया होगा क्या, आए बाय प्रोसेस सेम कंडीशन, बाय प्रोसेस, पहले हमको क्या करना है, इसको निकालना, पहले खाना बनाते हैं, पहले चावल धोते हैं, फिर चावल भरते हैं, फिर उसके सब्जी काटते हैं, फिर सब्जी डालते हैं, इस तरह करके बनाता है, बाय प्रोसेस ही ना जाता है ना, क्या क्या सारा चीज खा लिया और जाकर के कहां बैठ गया, आए चूल्हा के ऊपर बैठ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो उसी तरह यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, इसको पूरा का पूरा को क्या करना है और इसको क्या करना है, पहले प्रोसेस बाय प्रोसेस से निकालना है और फिर माइनस करना है, बात बुझा क्या नहीं बुझा, अभी डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, पहले इसका पूरा ये पॉइंट निकाल के, मान लो इतना आया तो यहाँ इतना आया, ये नहीं आएगा, इससे ज्यादा आएगा, समझ में आया क्या नहीं, लेकिन हम एक बता रहे हैं कि मान लो ये इतना आया इतना लिखे और ये इतना आया इतना लिखे, और दोनों को क्या किए माइनस किए, तब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, बात बुझा क्या नहीं, भुड़की का क्षेत्रफल, बात बुझा, ये भुड़की तो माइनस हो जाएगा, बुझा क्या होगा, भुड़की तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, समझ में आया क्या नहीं, बात बुझा नहीं बुझा, कोई दिक्कत है, चलो।